तो भाई साहब, जहाँ जिस व्यू पॉइंट से मैं अभी आया हूँ, पीछे था उस जगह पे जो बाइनोकुलर लगा हुआ था वो बहुत पावरफुल था, बहुत दूर तक का दिख रहा था। पीछे जो अन्नपूर्णा रेंज थी वो भी, उसके भी तीन पीक्स आई थिंक दिख रही थी वहाँ से। तो उसको भाई साहब मैं सच बता रहा हूँ आपको, उसको मिस मत करना अगर आप लोग यहाँ आते हो तो। आप और तो चाहे कुछ मत देखो, बट अन्नपूर्णा रेंज को जब आप देखोगे तो भाई साहब दिल खुश हो जाए आपका सच में। और ज़्यादा महंगा भी नहीं है, 50 नेपाली रुपीज़ लेते हैं उसके। तो भाई इस पे पैदल चलते चलते हम पहुंचते हैं यहाँ। ये भाई इसका नाम क्या है घाट का? ये बराई घाट। बराई घाट। तो भाई साहब हम बैठे हैं बोट में। ये बोट वाला भाई और उधर सारंग कोट और पीछे अन्नपूर्णा रेंज आपको दिख रही है। और हम जा रहे हैं बोट में बैठ के यहाँ। ये माता ताल बराही का मंदिर है यहाँ, तो यहाँ कुछ टाइम स्पेंड करेंगे और फिर वापस आएंगे। तो यहाँ तकरीबन हमें मिलेगा 15 से 20 मिनट का टाइम, हम 15-20 मिनट यहाँ स्पेंड कर सकते हैं। और इस बोट वाले भाई ने लिए हैं, अभी लिए नहीं है वैसे, लेगा मतलब 105 नेपाली रुपीज़ जिन्हें बताए, 105 नेपाली रुपए वो और 10 नेपाली रुपए इसके लाइफ जैकेट के। तो 115 नेपाली रुपीज़ में आपका यहाँ माता ताल बराही के मंदिर तक का बोट का सफ़र हो जाता है। और यहाँ आप स्पेंड कर सकते हो 15-20 मिनट में ये भाई वापस चला जाएगा। ये हैं भाई साहब, ये प्रतीक भाई हैं और ये अनंत भाई हैं। ये दिल्ली से हैं, मुझे यहीं हॉस्टल में मिले थे। तो भाई साहब मेरे पीछे है माता ताल बराही का मंदिर, हम जा रहे हैं अभी अंदर। और चलिए अंदर चल के देखते हैं क्या है। भाई चले, हाँ चलिए। तो भाई साहब ये है माता ताल बराही का मंदिर। मंदिर वैसे बहुत बड़ा नहीं है, बट इसका प्रांगण जो है, इसका कैंपस है, वो काफ़ी अच्छा है, झील के बीच में है। तो भाई ये था माता ताल बराही का मंदिर। कैमरा तो अंदर अलाउड नहीं था, तो इसलिए मैं आपको अंदर नहीं दिखा पाया क्या था। अब मैं आ गया हूँ बाहर, तो यहाँ थोड़ी देर बैठते हैं। काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ चारों तरफ लेक का, थोड़ा सा टाइम यहाँ स्पेंड करते हैं और फिर चलेंगे वापस। ताल बराही टेम्पल से तो हम निकल लिए, अभी जा रहे हैं बिल्कुल वहाँ जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। ये मेरे पीछे है ताल बराही टेम्पल और ये मेरे पीछे है नेपाल का झंडा भी। तो भाई साहब हम आ गए म्यूज़ियम, इंटरनेशनल माउंटेन म्यूज़ियम। और ये टिकट काउंटर है और ये है रास्ता सीधा म्यूज़ियम की तरफ जाने का, और ये है म्यूज़ियम। तो आप चलते हैं म्यूज़ियम के अंदर। तो भाई वीडियो तो अलाउड है, और थोड़ा सा अपने प्रिकॉशंस का ध्यान रखिएगा, कोविड की गाइडलाइंस जो हैं, मास्क लगाइएगा, पीछे सैनिटाइज़र लगाया, हाथ सैनिटाइज कीजिए। और यहाँ ये एक आपका चेक पोस्ट है, यहाँ से आपके टिकट्स चेक होंगे, तो यहाँ से एंटर कर सकते हैं आप म्यूज़ियम के अंदर। और ये है जी म्यूज़ियम। सबसे पहले हमारे लेफ्ट साइड में आता है ऑडियो विजुअल हॉल, जहाँ आप एक वीडियो, आपको एक छोटी सी फिल्म आपको दिखाई जाती है म्यूज़ियम के बारे में, और जो पहाड़ों में लोग रहते थे उनके बारे में, उनका कैसे रहते थे वो, क्या उनकी दिनचर्या, किस तरह से उनका दिन कटता था, किस तरह से उनका रहन सहन खान पान था। तो ये उन लोगों की, जो पहाड़ी लोग हैं उन लोगों की वेशभूषा, उनके परिधान यहाँ पर दिखा रखे हैं इन डमीज के ऊपर।
नेशनल म्यूज़ियम है, तो यहाँ सिर्फ नेपाल का ही कल्चर नहीं दिखाया गया है, यहाँ दूसरी कंट्रीज़ का भी दिखाया गया, जैसे मेरे पीछे ये है ताइवान का। तान है, इसको तान बोलते हैं और हमारे हरियाणा में इसको ताना बोलते हैं, जिस पे हरियाणा में तो हम दरी वगैरह बनाते हैं, तो ये वही है। इसमें ये स्टॉल्स वगैरह बनाते हैं, ये इसमें दिखाए भी गए हैं, देखिए। तो ये भाई एक बौद्ध मंदिर है यहाँ, तो म्यूजियम का तो सफ़र हो गया भाई कंप्लीट, अब चलते हैं बाहर। अब मैं जा रहा हूँ वापस बराही घाट की तरफ, वहाँ शाम को 5:30 पे आरती शुरू होती है ताल भराई माता की, तो उम्मीद है मैं 5:30 तक वहाँ पहुँच जाऊँगा। अभी मेरे ख्याल से 7 मिनट बाकी हैं, तो होपफुली पहुँच जाऊँ मैं टाइम से। तो आप लोगों को दिखाता हूँ, बहुत सुंदर आरती होती है भाई, मजा आ जाएगा आप लोगों को भी देख के। भाईसाहब आरती होगी ख़त्म, अब चलते हैं अपने हॉस्टल की तरफ और बाकी बात करेंगे वहाँ पहुँच के, बैटरी लो होगी कैमरा की, और चलिए चलते हैं।
हर हर महादेव, मिलते हैं हॉस्टल में। ये लेक साइड है भाई, और रात को ऐसा माहौल होता है यहाँ पे, देखिए। काफी रौनक है यहाँ पे रात के टाइम पे। अभी मैं जा रहा हूँ वापस अपने हॉस्टल। तो इस फुटपाथ को पकड़ के जब हम चलते रहेंगे तो ये लेक साइड के, इस लेक के आई थिंक एक साइड पे पूरे पे बना हुआ है, जहाँ पे ये जितना भी टूरिस्ट एक्टिविटी होती है सारी, उस तरफ पूरे पे ये फुटपाथ बना हुआ। तो ये वो है भाई जो शो है, सबसे पहले आया था मैं यहाँ पे, तो एक व्यू पॉइंट था, बायनोकुलर लगा हुआ था यहाँ पे, अन्नपूर्णा रेंज भी चेक किया था मैंने यहाँ से। तो यहाँ पे एक दो वो पोजेस के लिए, आप टिकटॉक वगैरह के लिए और इंस्टा के लिए रील्स वगैरह और फोटोज़ वगैरह क्लिक कर सकते हैं, वो स्पॉट है। रात को ये ऐसा दिखता है, बहुत अच्छी लाइटिंग की हुई है इसमें, सच में अच्छा है। और ये मिस्टर पांडा खड़े हैं यहाँ सुबह, जो मेरे को मिले थे, वो यहीं खड़े हैं भाई अभी तक। चलिए चलते हैं। भाई साहब रात के बज गए हैं 9 और मैं निकल रहा हूँ हॉस्टल से खाना खाने के लिए, डिनर के लिए बाहर। तो डिनर मैं हॉस्टल में नहीं करता, हॉस्टल से बाहर करता हूँ। एक रेस्टोरेंट है जहाँ मैं कंटिन्यूसली 2 दिन तो मैंने खाया, आज तीसरा दिन है, वहाँ मैं जाता हूँ। जो नेपाल का ट्रेडिशनल खाना है वो दाल चावल वगैरह उसमें कुछ होता है, तो चलिए वहीं जाके मैं आपको दिखाता हूँ। और रस्ते में भी दिखाऊँगा पोखरा का मार्केट कैसा है, क्या रौनक होती है पोखरा के मार्केट में रात। तो चलिए चलते हैं। तो हॉस्टल से राइट को निकलते ही भाई साहब है सामने हलन चौक, और हलन चौक से लेफ्ट चलेंगे तो है पृथ्वी चौक, जहाँ से कल मैं आया था। हॉस्टल से निकले, हलन चौक की तरफ जा रहे हैं। हलन चौक से राइट को जाएंगे तो आता है, हाँ तो आता है बराही घाट, जहाँ पे वो आरती हो रही थी, अभी शाम को आरती हो रही थी। तो उसी रोड पे हलन चौक से बराही घाट की तरफ जब हम चलेंगे तो ये रेस्टोरेंट है, इसका नाम मुझे अभी याद नहीं है, तो जैसे ही मैं वहाँ पहुँचता हूँ आप लोगों को नाम भी बताता हूँ। और अभी जो है, अभी जो मार्केट नाइट क्लब्स और बार्स वगैरह के क्राउड से फ्री है, अभी तक वो सब स्टार्ट नहीं हुआ है, तो प्रॉपर जो मार्केट है उसका व्यू अभी आपको मिल सकता है कि इस मार्केट में एक्चुअली क्या क्या होता है। तो ये मेन रोड है यहाँ का पोखरा का, इसके लेफ्ट और राइट दोनों साइड में आपको होटल्स वगैरह और रेस्टोरेंट्स वगैरह मिल जाएंगे, आप खाना खा सकते हैं, रह सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे हैं यहाँ के रेस्टोरेंट्स वगैरह, एक्जोटिक हैं, आप कहीं भी जाके कितना भी पैसा खर्च कर सकते हैं। तो भाई बट मैं प्रेफर करता हूँ कि भाई खाना अगर जिस कंट्री में जा रहे हैं तो वहीं का ट्रेडिशनल खाना आपको खाना चाहिए, आपको वहाँ का जो लोकल टेस्ट है उसका पता लगेगा आपको। आप पोखरा ही हॉस्टल से हलन चौक आएंगे तो मोस्टली यहाँ पे रेस्टोरेंट्स और डिपार्टमेंटल स्टोर्स और होटल्स वगैरह हैं, बट इससे आगे अगर आप जाओगे तो कपड़े खरीद सकते हो आप यहाँ से, जिस तरह से ये एक सामने मेरे एक शॉप है, तो कपड़े खरीद सकते हो, डेकोरेटिव आइटम्स वगैरह जो होते हैं यहाँ के, तो वो भी आप खरीद सकते हो, जैसे सुविनियर शॉप होती है तो वहाँ से आप काफ़ी कुछ ले सकते हो। और अभी मैं जाऊँगा यहाँ से राइट को, ये है यहाँ बराही घाट तक जाती है, जहाँ माता बराही की ताल बराही का मंदिर है। और भाई साहब ये जो सामने है बूढ़ी गंडकी रेस्टोरेंट लिखा है इस पर, तो यहाँ मैं खाना खाने आता हूँ भाई साहब, 3 दिन से आ रहा हूँ कंटिन्यू, इनका खाना अच्छा है, मेरे को अच्छा लगा, ट्रेडिशनल
खाना खाता हूँ मैं यहाँ नेपाल का। और ये इनका सीटिंग अरेंजमेंट है, अच्छा है, डिसेंट, मतलब अच्छा लगेगा आपको यहाँ आके, आप एंजॉय कर सकते हैं अपना। तो मैं प्रेफर करता हूँ भाई नेपाल का ट्रेडिशनल खाना। और वैसे आप यहाँ काफ़ी कुछ खा सकते हैं, मेन्यू काफ़ी लंबा चौड़ा है इनका, मैंने चेक किया था। और अभी नेपाल में आए हैं तो भाई नेपाल का जो खाना है यहाँ का, जो ज़्यादातर लोग खाते हैं तो वो खाना चाहिए ना हमें। तो अभी इसके आगे मैं भूटान जाऊँगा तो वहाँ भूटान का ट्रेडिशनल खाना मैं ट्राई करूँगा। तो ये है भाई साहब थकाली खाना, इतने सारे व्यंजन हैं इसमें। इसमें है चावल, एक सब्जी, एक दाल, एक ये मूली है शायद, बॉइल्ड मूली के पत्ते, ये करेले का अचार, एक ये चटनी, और ये विनेगर वाला प्याज, सिरके वाला प्याज, और ये सैलेड के लिए एक खीरा, मूली और कोल्ड स्टोर वाली गाजर है ये, आई थिंक हाइब्रिड टाइप के, और पापड़, तो इसमें दही भी है। तो भाई साहब डिनर भी हो गया, अब दूध भी ले लेंगे और फिर जाके पड़ेंगे हॉस्टल में, ताकि सोएंगे आराम से चैन की नींद। और आप लोगों से मिलूंगा फिर मैं सुबह जब यहाँ से निकलूंगा, शायद सारंगकोट की ओर। तक के लिए गुड नाइट, मिलते हैं सुबह।